हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, सब स्टाफ यानी सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। ये आपका ग्रुप डी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, वैकेंसी जोन वाइज स्टेट वाइज निकली है। तो हम लोग इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, जोन वाइज क्या क्या वैकेंसी है, सारा कुछ बताऊंगी। तो अगर आप सीरियस हो इस पोस्ट को लेके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको पहले बताया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई है, मतलब जो सफाई कर्मचारी होते हैं ग्रुप डी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट 484, मतलब कि 500 के करीब सीट पे वैकेंसी आ चुकी है। कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 218 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 114, एससी कैंडिडेट्स के लिए 42 एंड एसटी के लिए 62 सीट्स यहां पर रखा गया है। एंड ओवरऑल आपने देख लिया कि क्या पोस्ट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बात ये आती है, मेन मुद्दा ये है कि फॉर्म आपका कब से कब तक स्टार्ट है, कब अप्लाई होगा। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है 20 दिसंबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 9 जनवरी 2024 रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 9 जनवरी। अब समय बहुत कम बचा है, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। आप एग्जाम की भी डेट ना साथ ही साथ ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, February 2024, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका पेपर भी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, आपसे यहां पर 175 रुपीज लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी। ऑल अदर कैंडिडेट, इनके अलावा जो भी कैंडिडेट है, 850 रुपीज यहां पर फॉर्म फी रहने वाली है। अगर एज लिमिट की बात करें तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31st of March 2023। मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 26 इयर आपकी एज की लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो सिंपली जो भी बच्चे 10th पास आउट है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है 10th में, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10th कर रखा है तो आप एलिजिबल रहोगे। चलिए आगे देख लेते हैं किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पे रिटन एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा सेकेंड स्टेज पे 30 मार्क्स के लिए। सो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स हो गया, इसके दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनता है। थर्ड डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्टली मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो पेपर होगा ना 70 क्वेश्चंस का, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि 70 मार्क्स का होगा, तो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे। टाइम विल बी 90 मिनट्स, डेढ़ घंटे का पेपर है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, कोई सा भी ना निगेटिव मार्किंग नहीं आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए सब्जेक्ट वाइज देख ले किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, थर्ड सब्जेक्ट एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स, सिंपली बोले तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट विच मीन्स सिंपली की रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल दिस इज योर एग्जाम की पैटर्न, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो जैसा कि वैकेंसी आपको अलग अलग स्टेट के लिए है, अलग जोन के लिए है, तो जहां का आपको लोकल लैंग्वेज आता होगा ना, वही आप मतलब वहां का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा ना आपका 30 मिनट का होगा 30 मार्क्स के लिए। फिर डीवी एंड मेडिकल के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो आइए देखते हैं ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलेगी। आपकी जो सैलरी होगी 28,145 रुपीज पर मंथ की सैलरी होगी, मतलब 30,000 के अप्रॉक्स सैलरी के लिए अच्छा खासा सीट निकल के आया है। तो आप लोग इसके लिए अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ है, आई होप कि आप एक सीट अचीव कर पाओ अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो। तो
चलिए अब देखते हैं जोन वाइज किस स्टेट का कितना सीट आया है। जोन वाइज अगर बात करें तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में गुजरात के लिए 76 सीट्स है, एमपी के लिए आपका 24, मध्य प्रदेश के लिए 24 सीट, छत्तीसगढ़ के लिए 14 सीट्स, दिल्ली के लिए 21, राजस्थान के लिए 55, उड़ीसा के लिए आपका यहाँ पर 2 सीट रखा गया है, उत्तर प्रदेश के लिए 78, महाराष्ट्र के लिए 118, बिहार के लिए 76, झारखंड के लिए 20 सीट्स है। सो ओवरऑल ये आपका क्लियर हो चुका होगा। रही बात की लोकल लैंग्वेज किस स्टेट का क्या है, ये आपको मिलेगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट एक बार आप अच्छे से रीड करना खुद से, फिर जाके फॉर्म अप्लाई करना। और अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो तो सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां पे आप मुझे फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक साथ ही साथ कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो आप सभी, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।